मैंने आपको बताया कि पिछले पहले रेनड्रॉप हुआ, रेनड्रॉप के बाद ओवरलैंड, रेनड्रॉप की वजह से स्लैश इरोजन, रेनड्रॉप के बाद वही रेनड्रॉप ओवरलैंड फ्लो में बदल गया, तो ओवरलैंड फ्लो की वजह से सीट इरोजन। अब ओवरलैंड फ्लो सॉइल, सॉरी ओवरलैंड फ्लो वाटर, जो वाटर का ओवरलैंड फ्लो होता है, मान लीजिए इस पर ओवरलैंड फ्लो हो रहा है, तो हर जगह ये होमोजेनियस तो सॉइल है नहीं, कहीं सॉइल का स्ट्रेंथ थोड़ा कमजोर है, तो कहीं कमजोर है तो वहां से थोड़ा सा उखड़ जाएगा। अगर थोड़ा सा उखड़ गया तो वहां पर जैसे उखड़ा पानी का प्रेशर वहां पर ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, तो वहां से ज्यादा उखड़ने लगेगा, उखड़ते उखड़ते क्या होगा, आपको मान लीजिए कि इस टाइप का बन जाएगा कर्व, छोटा सा नाली टाइप का ऐसा, और जब ऐसा बन जाएगा तो फिर इधर का भी इतने दूर का पानी और इधर का भी सब इसी में बहेगा, फिर इधर भी कहीं एक जगह नाली बन जाएगा, फिर इधर भी कहीं एक जगह नाली बन जाएगा, तो इसी नाली को कहते हैं रील। तो 14 नंबर पॉइंट था, 15 नंबर पॉइंट या आप लिख सकते हैं रील का पहला नंबर पॉइंट, आफ्टर ऑकरिंग लॉन्ग टाइम ऑफ ओवरलैंड फ्लो, द ओवरलैंड फ्लो कंसंट्रेट एंड टेक्स ए इरोसिव वे एंड रिजल्ट बिकम द फॉर्मेशन ऑफ शैलो चैनल नोन एज रील। मतलब ओवर काफी लंबे समय तक ओवरलैंड फ्लो होने के बाद हमारा ओवरलैंड फ्लो एक जगह जमा हो जाता है, या सॉइल को कमजोर पा करके थोड़ा सा नाली बना लेता है, उस वजह से जमा हो जाता है, चाहे जमा हो जाता है जो भी है, जमा होता है जो फ्लो है, तो जमा होने के दौरान होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है, परिणाम ये होता है कि एक छोटा सा शैलो पतला कम गहरा नाली बन जाता है, जिसको कि हम रील कहते हैं। क्या कहते हैं? रील। अब अगला पॉइंट, लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम द रील, अगर रील बन गया ना तो अब रील से जो सॉइल का लॉस होगा, अब रील को तो काफी गहरा होते जाएगा, काफी गहरा करते जाएगा, पानी बह रहा है तो काफी गहरा होगा, तो लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम द रील इज कॉल्ड रील इरोजन। ये पॉइंट हो गया, रील इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो चैनल इरोजन। याद रखिए, हमेशा पूछता है चैनल इरोजन, माइक्रो चैनल, फलाना डिम का, कंफ्यूज ही कर जाएंगे। माइक्रो चैनल इरोजन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द रील, रील का आकार क्या होता है, तो 30 सेंटीमीटर गहरा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा। अगर ऐसे चैनल बन रहा है रील, तो ये भी 30 ऊपर वाला, ये ऐसे यहां से लेकर के यहां तक ही, और ये जो गहरा है ये भी 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का मैक्सिमम शेप होता है। अगर इसके बाद आगे बढ़ता है तो उसका नाम बदल जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर पॉइंट, रील आर इलिमिनेटेड बाय ऑर्डिनरी टीलेज ऑपरेशन। ये जो रील बना ना, इस पर हम प्राइमरी प्लाइंग कर देंगे, प्लाइंग कर देंगे तो जितना भी नाली है वो सब क्या हो जाएगा, मिट्टी से भर जाएगा। तो अब अगर बारिश होगा फिर दोबारा, तो फिर से दोबारा उससे पानी का कंसंट्रेशन हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा, पानी पहले तो इन्फिल्ट्रेट करेगा, इन्फिल्ट्रेशन के बाद जब पोर भरेगा तब सीट होगा, तब न रील होगा, तो कुछ देर के लिए बच जाएगा। तो रील इरोजन को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि प्राइमरी प्लाविंग कर देंगे या कोई भी ऑर्डिनरी प्लाविंग कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रील इरोजन इज द इंटरमीडिएट स्टेट, बीच का स्टेट है, किसके किसके बीच का, तो इसके पहले सीट था और इसके बाद गली इरोजन आता है, तो सीट और गली के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है।
20 नंबर पॉइंट हो गया। 21 नंबर पॉइंट, दो रील मतलब दो छोटे छोटे चैनल, एक यहां लगातार दो के बीच में जो इरोजन हो रहा है भाई, सीट इरोजन हो रहा था तो सीट की वजह से पानी जमा हो गया, तो इसमें ज्यादा जमा हो गया चैनल में, लेकिन पानी उसके बीच में भी बह रहा है ना, दो चैनल है यहां और यहां, पतला पतला नाली टाइप का बन गया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि नाली से बहे, वर्षा अधिक हो रहा है तो बीच से भी बहेगा, तो बीच वाले इरोजन को सीट इरोजन हम कहेंगे, और जो रील से जो सॉइल का लॉस हो रहा है उसको रील इरोजन कहेंगे। तो बात यह हो गई कि सीट इरोजन बिटवीन टू रील इरोजन इज कॉल्ड, दो रील के बीच में होने वाले सीट इरोजन को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं इंट्रील इरोजन, इंट्रील इरोजन। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, इफ रील आर निग्लेक्टेड, अगर रील को आपने निग्लेक्ट किया है, मतलब आपने सोचा कि अरे जाने दे यार, रहने तो क्या हो जाएगा इससे, कोई फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत से, इफ रील आर निग्लेक्टेड देन द गली फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गली का फॉर्मेशन होता है और गली का डायमेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। अब उसको आप ऑर्डिनरी टीलेज ऑपरेशन से आप उसको बराबर नहीं कर सकते, उसमें आप मिट्टी नहीं भर सकते, वो जैसे जैसे समय बढ़ता है ना उसका डायमेंशन और तेजी से बढ़ने लगता है, फिर उसके लिए जेसीबी लगाना पड़ेगा, और फिर वही जो इसके पहले हमने बताया है ये कि चेक डैम मतलब टेम्पररी मेजर, टेम्पररी उपाय, परमानेंट उपाय, बहुत तरह के उपाय, ये सब करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा लफड़ा है, इसीलिए रील को वहीं पर कंट्रोल करना चाहिए। तो एक पॉइंट नंबर हो गया 22, बस यही तरह है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये भी वहीं पर होता है, रील इरोजन भी उसी टाइप के सॉइल में होता है, ओवर क्राई कल्टीवेटेड और बेयर सॉइल। तो ये हो गया रील इरोजन के बारे में, तीन चार इसमें, एक एक दो दो उन लोगों बाकी दोनों में इसके पहले, ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। अगर वाटर इरोजन से क्वेश्चन पूछा तो यहीं से पूछेगा, वाटर इरोजन से कुछ पूछेगा फिर यहां से पूछेगा, यही जोड़ जाड़ के तो 10-20 क्वेश्चन कंपटेटिव हो जाते हैं, जो वही 10-20 में से कोई ना कोई एक पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है गली इरोजन, कौन सा इरोजन है, गली इरोजन, तो हम पॉज करके यहां पर लिख देते हैं गली इरोजन के बारे में। रील इरोजन तक हमारे 23 पॉइंट हो गए थे, एक कहानी के रूप में हम लिखते जा रहे थे इसलिए हमको याद था, अगर आप रटेंगे तो मुश्किल पड़ेगा। अब देखिए, जब रील का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर रील को हमने रोक दिया, रील को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया, टीलेज ऑपरेशन चला दिया उस पर, तब तो ठीक है, खत्म हो गया, अब तो गली बनेगा नहीं, लेकिन अगर आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया तो डायमेंशन धीरे धीरे उसका बढ़ता जाएगा। लिखेंगे आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां लिख सकते हैं, हम तो लिखे हैं 24, 25, 26, 27, 28, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इफ रील आर नॉट डिस्ट्रॉयड एट प्रॉपर टाइम, देन द डायमेंशन ऑफ रील इंक्रीजेज एंड रिजल्ट बिकम द फॉर्मेशन ऑफ गली, लिख देंगे यहां पर कि अगर उचित समय पर आपने उसको रोका नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो उसका डायमेंशन बढ़ेगा और यह परिणाम यह होगा कि गली का फॉर्मेशन होगा, गली का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, गली का निर्माण होगा, फिर गली रोजन नहीं होगा, गली का निर्माण होगा। कोई कोई साइंटिस्ट और रिसर्च और किताब यह भी कहता है कि रील थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है डायमेंशन, इधर वाले रील का एक रील यहां है, छोटा सा पतला चैनल एक यहां है, ये भी थोड़ा बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा बढ़ रहा है, अब बढ़ते बढ़ते दोनों मिल गए, तो दोनों मिल गए तो फिर बड़ा डायमेंशन बन गया। तो कोई कोई किताब कहता है कि ऐसा होता है, गली ऐसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ
टू रील या एक्सपेंशन ऑफ रील एंड मीटिंग ऑफ द टू रील टू ईच अदर इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गली। और कोई कोई कहता है कि नहीं, एक ही का डायमेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाए तो बात दोनों में बराबर ही है। तो दोनों बात को हम यहां लिख देंगे कि या तो दो रील आपस में मिल जाते हैं, दोनों का डायमेंशन बढ़ते रहता है, आकार बढ़ते रहता है और आपस में मिल जाते हैं तो गली का निर्माण होता है, या एक ही रील का अगर उसको हम रोकते नहीं है, प्रिवेंट नहीं करते हैं इरोजन को, तो फिर इतना ज्यादा मिट्टी भर जाता है कि उसका डायमेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम टीरेज ऑपरेशन से बराबर नहीं कर सकते हैं, समतल नहीं कर सकते हैं जुताई के द्वारा, तो उस फॉर्मेशन को हम गली फॉर्मेशन कहते हैं। तो आप दो पॉइंट यहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम द गली इज कॉल्ड गली इरोजन। अब इस गली से होने वाले सॉइल के नुकसान को हम गली इरोजन कहेंगे। हो गया यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट, 100% ऑफ परफेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर इरोजन का लास्ट स्टेज क्या है, तो कोई कोई लिखता है कि गली इरोजन और रेबिन इरोजन। गली के बाद होता है रेबिन, तो और उसके बाद होता है एक्सट्रीम बैंक। लेकिन कोई कोई किताब लिखता है कि गली और रेबिन इन दोनों को वाटर इरोजन का लास्ट स्टेज कहते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठित लेक्चरर हैं वो कहते हैं कि गली इरोजन ही लास्ट स्टेज है, या जो कोई कोई बुक भी कहता है कि गली इरोजन ही लास्ट स्टेज है। तो यहां पर लिख देंगे कि गली इरोजन इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। गली इरोजन वाटर इरोजन का सबसे अंतिम अवस्था है। मिनिमम साइज ऑफ गली, गली का मिनिमम साइज क्या होगा? तो जो रील का मैक्सिमम होगा, बताए थे ना कि रील का अधिक से अधिक डायमेंशन 30x30 का होता है, 30 सेंटीमीटर गहरा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा अधिक से अधिक, उससे जैसे ही आगे बढ़ा तो गली कहेंगे उसको। तो गली का वो मिनिमम हो गया, रील का मैक्सिमम, तो 30 सेंटीमीटर गहरा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा इसका मिनिमम डायमेंशन है, और इसके बाद बढ़ते रहता है तो बहुत आगे तक बढ़ता है। अब ये जो सिलेबस है हमारा सॉइल वाटर कंजर्वेशन में, जो हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि वाटर इरोजन कहां से आया, तीसरा टॉपिक था वाटर इरोजन एंड इट्स फॉर्म। अब वाटर इरोजन के फॉर्म में ये आ गया। आपका जो सिलेबस आगे बढ़ता है वो यही गली इरोजन ही अब आगे बढ़ेगा। गली इरोजन कितने टाइप के होते हैं पूरा ब्रीफ में पढ़ना है, इसके रोकने के कौन कौन से उपाय हैं वो पढ़ना है, इसी के द्वारा सॉइल लॉस ज्यादा होता है तो सॉइल लॉस पढ़ना है, जो भी मतलब सिलेबस अब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, गली इरोजन को ही आगे बढ़ाएगा। दो तीन टॉपिक तो इसी से रिलेटेड है आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, गली इरोजन। इसमें क्या मिला आपको कि गली इरोजन इज द लास्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। मिनिमम डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। किसको कहते हैं गली? तो वैसा चैनल जिसको हम ऑर्डिनरी टीलेज ऑपरेशन से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इलिमिनेट नहीं कर सकते, उसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। अब इसके बाद आता है रेबिन इरोजन, और रेबिन के बाद आता है एक्सट्रीम बैंक इरोजन। तो हम रेबिन इरोजन के बारे में लिखेंगे। जैसे रील को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बर्बाद नहीं किया, प्लानिंग नहीं किया, प्रिवेंट नहीं किया, तो गली बन गया। और गली को भी अगर हम नहीं रोकेंगे, नहीं चेकेंगे, नहीं उसको मेजर करेंगे, कोई जुगाड़ नहीं करेंगे उसको रोकने का, तो बढ़ते 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 बढ़ जाएगा और बढ़ करके रेबिन का फॉर्म लेगा। कहता है कि रेबिन इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ए एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ गली। अगर आप गली का प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते हैं, गली को नहीं रोकते हैं, तो ये रेबिन का फॉर्म देता है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा कहता है
इट इज ए सीरीज ऑफ गली ओपनिंग, बहुत सारे गली। अब जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, आप देखे होंगे एक मशीन आता है जिस पर सुबह सुबह लोग पैर रख के चढ़ते हैं, नुकीला, या नुकीला जो चप्पल, जो दानेदार चप्पल होता है ना, तो आप चप्पल में देखेंगे ऐसा ऐसा मतलब अगर इधर से भी आप लाइन खींचना चाहें तो गहरा लाइन इधर से पेटा लाइन खींचा जाएगा, या फिर आप ऐसे खींचना चाहें तो इधर से भी आ जाएगा, और बीच बीच में उठा होता है, पॉइंट पॉइंट की तरफ, पॉइंट पॉइंट की तरफ उठा होता है। इसी तरह का होता है रेबीन इरोजन, कई एक गली मिलते हैं, एक दूसरे से मिल गए, टकरा गए, तो इधर का उधर कट गया, उधर का उधर कट गया, बीच में टीला जैसा, टापू जैसा यहां निकल गया, वहां निकल गया, तो इसी को कहते हैं हम रेबीन इरोजन। लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है तो हम लिखेंगे कि व्हेन गली इरोजन इज नॉट कंट्रोल्ड देन इट टेक द फॉर्म ऑफ रेबीन इरोजन। अगर गली इरोजन को नहीं रोका गया तो यह रेबीन इरोजन का रूप ले लेता है। दूसरा पॉइंट, इसमें इंटरमिटेंट वाटर पाया जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पानी। आप सुने होंगे ना पेरेनियल, इंटरमिटेंट और इफेमेरल, तो ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कभी कदाल बरसात के दिनों में पानी इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका साइज रील से बड़ा तो होता है, सॉरी गली से तो बड़ा होगा ही, लेकिन भैली से छोटा होगा। जो आप सुने होंगे ना बचपन में ज्योग्राफी में, भैली घाटी, दो पहाड़ों के बीच का, ये दो पहाड़ है बीच का एक जगह, इसको कहते हैं घाटी, भैली, तो इससे छोटा होता है। और गली से बड़ा होता है। तो तीसरा नंबर पॉइंट, रेबीन इरोजन, ठीक है। बस रेबीन के बारे में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतना ही पढ़ना है किससे छोटा किससे बड़ा। पानी हमेशा नहीं पाया जाता है, बरसात के दिनों में सिर्फ इसमें आपको पानी मिलेगा, और कब होता है, जब आप गली को कंट्रोल नहीं करेंगे तो परिणाम होगा रेबीन फॉर्मेशन का। नेक्स्ट, एक्सट्रीम बैंक इरोजन। एक्सट्रीम बैंक इरोजन, एक्सट्रीम बैंक इरोजन क्या है कि इसके दो प्राइमरी मैकेनिज्म है एक्सट्रीम बैंक इरोजन होने के। अब यहां पर देखिए, हमने गली तक ही पॉइंट लिखा था ना, हमारे टोटल 27 पॉइंट हुए थे, क्योंकि गली तक ही पढ़ना होता है। ये दो तो फालतू हैं, कभी आ भी जाएगा आपको लिखने को, कभी नहीं भी आएगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट जानना जरूरी है। तो एक्सट्रीम बैंक इरोजन क्या है, तो देखिए एक्सट्रीम बैंक इरोजन होने के दो प्राइमरी मैकेनिज्म हैं, ठीक है। प्राइमरी मैकेनिज्म कितने हैं, दो, उसके बाद सेकेंडरी तो जो होंगे तो होंगे ही। तो प्राइमरी में यह है कि आप कभी क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि रिवर मेंडर बट कैनाल नॉट, कभी आप देखते हैं कि ऐसे मान लीजिए नदी मुड़ा हुआ है, पानी इधर से जा रहा है, तो पानी का इसमें पानी जा रहा है, इसमें भी पानी ऐसे से जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ये वाला धारा ज्यादा स्पीड का होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, कहां पर ज्यादा स्पीड होगा, तो यहां पर ज्यादा स्पीड का होगा, यहां पर कम होगा, यहां पर कम होगा, यहां पर सेडिमेंट जमते रहेगा, यहां पर गहराई कम होगा, यहां पर गहराई ज्यादा होगा, क्योंकि इसका धारा तेज है, इसको उखाड़ेगा, इस किनारे को उखाड़ेगा, इसी को कहते हैं एक्सट्रीम बैंक इरोजन। एक्सट्रीम बैंक इरोजन नेचुरल इरोजन में आता है, हम लोग को पढ़ना असल रिलेटेड है, ये सब नेचुरल इरोजन में है, जनरली नेचुरल इरोजन में आते हैं। रेबीन वो भी जनरली नेचुरल इरोजन में आता है, असल रिलेटेड में वही चार है, रेनड्रॉप, सीट, गली और रेल। देखिए सारे तरह के इरोजन या तो वो नेचुरल भी हो सकता है कुछ हद तक, जैसे वाटर इरोजन है तो वाटर इरोजन को हम नेचुरल भी कर सकते हैं और असल रेटेड भी कर सकते हैं, प्रकृति के द्वारा भी होता है,
लेकिन अगर मैन का इंडक्शन हो जाए, मैन अगर इंड्यूस्ड हो जाए आदमी के द्वारा कोई जैसे सॉइल वॉल को आपने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर वो हो गया एक्सेलरेटर में आकर। तो ये जो है यहां पर धक्का मारेगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर कम होती है वेलोसिटी जब ऐसे अगर मुड़ा है। ये नदी को मुड़ने को कहते हैं मेंडरिंग, पूछ देता है तो मेंडरिंग का मतलब ही नहीं लोगों को समझ में आता है, 1,00,000 जगह ढूंढ लीजिए नहीं है, मिलेगा कहीं। तो देखिए इसके प्राइमरी दो मैकेनिज्म है, पहला तो कि फ्लूवियल इरोजन और दूसरा मास इरोजन। फ्लूवियल का मतलब यह है कि जैसे जैसे टकरा रहा है इसके धारा से सॉइल कट के गिर रहा है, रगड़ के कारण सॉइल कट के गिर रहा है। और मास के कारण क्या होता है, ये तो फ्लूवियल इरोजन हो गया। इसमें मतलब इसमें दो प्रकार के इरोजन है, फ्लूवियल और एक मास इरोजन। प्राइमरी काउज में फ्लूवियल में हो गया कि आपके धारा से, पानी के धारा से टकराया, सॉइल कट गया, फ्लूवियल। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे वाला कट जाता है, ये आपका ऐसे है पानी ऐसे बह रहा है तो नीचे से तो काट से गया, नीचे से पानी अंदर अंदर घुस गया, लेकिन ऊपर से ऐसे बना हुई हुआ है कमर और पानी नीचे इसके अंदर अंदर तक चला गया। अब ये ऊपर वाला का होगा तो आज नहीं तो कल टूट करके नीचे गिरेगा। तो इसी को कहते हैं मास मूवमेंट, मास इरोजन। तो ये दो कारण है, फ्लूवियल इरोजन और मास इरोजन। बाकी के कारण है कि कभी पानी कम होता है नदी में, कभी ज्यादा होता है। ज्यादा होता है ऊपर तक चढ़ता है, मिट्टी को भिगाता है, फिर गर्मी के दिनों में नीचे आता है तो सूखता है। तो हमेशा सूखना भीगना, मिट्टी का सूखना भीगना जब होते रहेगा तो मिट्टी का स्ट्रेंथ कमजोर नहीं होगा, होगा अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग के वजह से भी होगा स्ट्रेंथ कमजोर। अब स्ट्रेंथ कमजोर होगा तो टूटेगा, गिरेगा, इरोजन होगा। तो सेकेंडरी कारण हो गया, प्राइमरी कारण वो दो थे, ठीक है। और सेकेंडरी में कुछ तो है, सीपेज वगैरह रिश्ता है, कुछ मैन का इंटरफेरेंस है, यही सब है। दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन।